खबर शामिल करेंगे टंडोला यार से, जहां कोरोना वायरस की चौथी लहर एहसास कफालत सेंटर पर खवातीन का समंदर उमड़ आया। हजारों खवातीन SOPs की धज्जियां बिखेरती हुई नजर आई। मजीद जानते हैं तारिक हमीद अब्बासी से। जी तारिक बताइएगा। मुल्क भर की तरह कोरोना वायरस की चौथी लहर के सबक टंडोलियार के अंदर भी एहसास सेंटर चालू हो गए हैं, जिस पर सिंध हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के हवाले से दुकान मुकम्मल तौर पर चौथी लॉकडाउन किया गया है। तो बात की जाए तो कोरोना वायरस के हवाले से तो एहसास सेंटर पर लाखों खवातीनों का यहाँ पे हजूम नज़र आ रहा है। यहाँ पे ज़िला इंतजामिया की जानिब से कोई भी SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। इसके साथ हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। टंडोलिया दारुल उलूम सेंटर के अंदर यहाँ देखे ना किसी के पास मास्क से ना कोई सैनिटाइज़र है, ठीक है। डिप्टी कमिश्नर साहब ADC1 साहब इसको भी तो फॉलो करें, जब टंडोलिया की तमाम इंतजामिया दुकानें कारोबार को बंद करवा रही हैं तो यहाँ भी तो देखें क्या यहाँ कोरोना नहीं है। इनको इस पर भी इम्प्लीमेंट कराना चाहिए। यहाँ पर जितने अपना ये लोग बग़ैर मास्क के तमाम खवातीन यहाँ मौजूद है, ठीक है। और जो कि डिवाइस होल्डर है एक एक फ़ी अपना लेडी से 1500, 500, 1000 जहाँ उनकी मर्ज़ी और डिडक्ट कर रहे हैं पैसे। डिप्टी कमिश्नर साहब ADC1 साहब SSP साहब इन पर नोटिस करें, इस मसले को एड्रेस करें और फिर फौर कार्रवाई करें। जी शहरी के आपने बात सुनी, शहरी का कहना था कि दुकानदार जो हक लाल की रोज़ी करते हैं उनको कारोबार नहीं खोला जाता, पुलिस की जानिब से उनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया जाता है। और एहसास सेंटर पर हमें ये भी शिकायत मौजूद हुई 1000 से 500 रुपये की डिवाइस है उनका जो काट पीटर की कटकोटी कर रहे हैं। तो शहरियों ने मुतालबा किया ज़िला इंतजामिया की जानिब से यहाँ पे जो कटकोटी कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और SOPs पर अमल दरामद किया जाए। जी